चुनावी रणनीतिकार बनकर राजनीति का खेल बदलने वाले प्रशांत किशोर अब किसी पार्टी के सारथी बनकर नहीं बल्कि योद्धा के रूप में राजनीति मैदान में उतरना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास के लिए अब एक्टिव राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। इसका ऐलान भी उन्होंने अब कर दिया है। जेडीयू से निकाले गए प्रशांत किशोर ने बिहार में युवाओं की फौज खड़ी करने की हुंकार भरी है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू बनकर राजनीति में कूदने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनके संबंध अच्छे हैं। प्रशांत ने कहा कि गांधी और गोडसे को साथ साथ लेकर नहीं चला जा सकता। नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे, उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कंफर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनकी सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ। वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के विकास के दावों पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा 15 साल में विकास के खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जो हालत 2005 में थी वही कमोवेश आज भी है। कैपिटल इनकम में बिहार 2005 में भी 22वें नंबर पर था और आज भी उसी नंबर पर है। साथ ही प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि वो बिहार में चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं आए हैं, वो बिहार की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए 20 फरवरी से बात बिहार की कैंपेन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे, बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। कुछ दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो आरजेडी या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।